अभी भी गुपकार गठबंधन के द्वारा जिस प्रकार की गतिविधियां चालू की गई है और जिस प्रकार की अलगाववादी ताकतें मिलकर जिस प्रकार से साजिश कर रही हैं, यह देश के लिए खतरा है, अच्छी बात नहीं। इस देश को आजादी दिलाने में और इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमेशा यहां के लोग एकजुट होकर काम करते रहे हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी कुर्बानियां भी दी है, चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हो, किसी समाज सेवी के रूप में हो, चाहे सीमा पर डटे हुए अपने सैनिक और नौजवानों ने अपनी योगदान और अपनी आहुति से इस देश को बिल्कुल अखंड रखा है, सुरक्षित रखा है। अभी कांग्रेस की जो चाल है वह उसके सारे पुराने चरित्र को उजागर करते हुए फिर एक बार कांग्रेस की गतिविधियों ने देश को यह बता दिया है कि हमको देश से ज्यादा सत्ता प्यारी है, और वह भी सत्ता हमारे परिवार के लिए। अभी गुपकार संगठन के द्वारा, गठबंधन के द्वारा जो घोषणाएं की गई और कहा गया कि हम 370 धारा को वापस लाएंगे, फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे मेहरुआ जी हो, चाहे कांग्रेस के कई नेता हो, चिदंबरम साहब से लेकर उनके प्रवक्ताओं ने, कश्मीर में उनके नेताओं ने जो बयान दिया, वह 370 धारा वापस हो इसके लिए उनका प्रयत्न चल रहा है, और 370 धारा वापस करने के प्रयत्न में जिस प्रकार के अलगाववादियों से गठबंधन कांग्रेस कर रही है, यह देश के लिए अच्छी बात नहीं। एक तरफ कांग्रेस दुविधापूर्ण बातें करती है, कभी प्रयास करती है अपने को बचने की, और एक तरफ वहां कश्मीर में चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ मिलकर लड़ रही है। इसका मतलब यह है कि गुपकार संगठन से उसका समझौता है और गुपकार संगठन के वह साथ है। 370 धारा पर अपने बातों को इस रूप में कहना कि हम, चाहे वह फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हो कि हम चीन के साथ मिलकर, या मेहरुआ जी कह रही हो, मैं उस डेट का उल्लेख करना चाहूंगा कि जब मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को जब वह साक्षात्कार दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम 370 चीन के साथ मिलकर ले आएंगे। मेहरुआ जी घोषणा करती है कि हम तिरंगा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक कश्मीर को अपना झंडा वापस नहीं होगा, यानी कि फिर से इस देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, और उस गुपकार गठबंधन में कांग्रेस का समृद्ध होना कहीं कोई संदेह नहीं है। हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और कहे कि हम अलग हैं, तो इस दोहरी चरित्र कांग्रेस की चरित्र को यह देश स्पष्ट रूप से जान रही। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, फारूक अब्दुल्ला जी हो, महबूबा हो जी हो, कांग्रेस के नेता हो, चिदम्बरम जी हो, चाहे राहुल जी का अनेकों प्रकार की वह घोषणाएं हो जो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में अलगाववादी का समर्थन कर रहा हो, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 370 न वापस होगा, न 35A वापस होगा, नहीं अलगाववादी के उस नापाक इरादे मंसूबों को इस धरती पर फलने फूलने दिया जाएगा। इस देश की एकता अखंडता के लिए, देश के स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए जो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कदम उठाना पड़ेगा,
हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसमें कभी पीछे नहीं हटेंगे। देश की एकता, अखंडता, समृद्धि, विकास, न्याय उनका मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास 370 कौन नहीं जानता है। देश की एकता और अखंडता के लिए किस प्रकार से बाधक था, कश्मीर के विकास के लिए बाधक था, जहां आतंकवादी जिस 370 धारा के कारण वहां फलने फूलने में कामयाब होते थे, अपनी गतिविधियां चलाने में कामयाब होते थे, कई प्रकार के अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान जैसे देशों का सहयोग लेकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते थे। 370 धारा समाप्त होने के बाद आज आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम भी लगा है, उसको मिटना भी पड़ रहा है, उस पर कार्रवाइयां हो रही है और आज कश्मीर का विकास भी हो रहा है। कश्मीर की वह भूमि जो स्वर्ग है, जन्नत है, जहां नौजवानों के हाथ में कश्मीर के चाहे अब्दुल्लाओं का कराज हो, चाहे वह मुफ्ती कराज हो, चाहे वह उस प्रकार के गठबंधन को सपोर्ट करने वाली कांग्रेस का समर्थन हो, हमेशा आतंकवादी गतिविधियों के कारण कश्मीर की गलियों में जहां खून के निशान दिखाई पड़ते थे, आज वहां संविधान के 370 धारा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समाप्त हो गया है, 35 ए समाप्त हो गया है, तो जिस गलियों में खून के निशान होते थे वहां कश्मीर की सुंदरताओं की सौंध सुगंध महकती है। उस स्वर्ग सा कश्मीर में अब अलगाववादी ताकतें चाहे जितनी कोशिश कर ले उनकी मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और कांग्रेस का वह एक तरफ चुनाव लड़ना, मुफ्ती मोहम्मद साहब ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो आखिर कांग्रेस से हम जानना चाहते हैं कि 370 धारा वापस लाने वाले गुपकार संगठन की घोषणाओं पर उसकी सोच क्या है। वही घोषणा 370 धारा वापस होगा, कांग्रेस के नेताओं का घोषणा हो रहा है, कांग्रेस की घोषणा हो रही है, वही पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो रहा है, वही अलगाववादी ताकतों का हो रहा है, चीन और पाकिस्तान से सहयोग लेकर वापस करने की बात हो रही है। तो क्या राहुल गांधी जो हमेशा चीन और पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते थे, कांग्रेस सुर का सुर मिलाती थी, क्या उस सुर का वह संदेश नहीं है? कांग्रेस से आप स्पष्ट करें और इस प्रकार के गुपकार संगठन के साथ उसके जो समझौते हैं वो इस देश के लिए क्या संदेश है और क्या कांग्रेस की सोच है, इसको कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। यह देश 130 करोड़ देशवासियों का देश, जिसके समर्थन से नरेंद्र मोदी जी ने हर देश के हित में जो जरूरत होता है उस कदमों को उठाने का काम किए हैं, आज भी उन देशवासियों के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववादी ताकतों का कुछ नहीं चलेगा। न 370 धारा वापस होगा, न कांग्रेस चाहे जितना 370 धारा का जो अलगाववादी ताकतें वापस लाने की बात कर रही है उसको मैं इसलिए कई बार कह रहा हूं कि उसके उस रवैये से देश दुखी है और इस प्रकार की अलगाववादियों का साथ कांग्रेस दे रही है, इस पर उसके अपने विचार स्पष्ट करने चाहिए। आज मैं राहुल गांधी से और कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आज यह उनसे मेरा सवाल है। कांग्रेस अभी बहुत पावरफुल है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पावरफुल है नहीं, पावरफुल रहती तो दिखती। बिहार में महागठबंधन के हार के बाद कांग्रेस ने जो रुख किया है अलगाववादी ताकतों से गठबंधन करने का और देश के हित में ना सोचते हुए देश के अहित की बातें करना, 370 धारा वापस करने की बात करना और वहां डीडीसी के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना,
मैं कहता हूं कि वह इसका कांग्रेस का अंतिम प्रयास है। बदनाम हो चुकी कांग्रेस, बर्बाद हो चुकी कांग्रेस के ताबूत में बर्बादी का वह अंतिम किल है, जो वह कश्मीर में जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलगाववादियों के साथ उसका गठबंधन है, यह अंतिम किल साबित होगा। बदनाम और कांग्रेस पार्टी, बर्बाद ही कांग्रेस पार्टी अब मिटने की कगार पर आ गई, मिट जाएगी। देखिए मैं बता रहा लव जिहाद पे मैं आपसे अलग से बात करूंगा। आज आप जानते हैं कि देश के लिए अलगाववादियों अलगाववादी ताकतों का एकजुट होकर और कांग्रेस का उसको सहयोग प्राप्त होना देश के लिए चिंता का विषय है, और चिंता देश को हो रहा है। बर्बाद कांग्रेस हो रही है, अलगाववादी ताकतिक और इसी विचारधारा मिट रही है। देखिए एक कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जब उसके कारनामे सामने आते हैं तो पता चलता है। अगर जिस मुद्दे पर कभी सरकार बनी थी, आज वह अलगाववादी विचार को लेकर फलने फूलने की बात कर रही है, और हम जब 370 धारा नरेंद्र मोदी जी की सरकार हटा दिए तो 370 धारा वापस लाने के लिए पीडीपी कर रही है, उसकी इस अलगाववादी विचारधारा का भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हम सब देशवासी मिलकर विरोध कर रहे हैं। देखिए लव जिहाद पर मैं आपसे बात करूंगा, आज गुपकार गठबंधन में कांग्रेस का किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना और उसको सहयोग करना और 370 धारा वापस लाना चीन और पाकिस्तान के सहयोग से, यह देश के अहित में है। इतने बड़े मुद्दे पर मैं आपको बताया हूं, और मैं एक बार यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, 370 धारा वापस कभी नहीं हो सकता है, 35A वापस कभी नहीं हो सकता है। कांग्रेस चाहे चीन से सहयोग ले ले, चाहे वह पाकिस्तान से सहयोग ले ले, चाहे उनके नेता जाकर पाकिस्तान में जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बातें करें, चाहे राहुल गांधी जी चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ सुर से सुर मिला ले, चाहे वह जितना प्रयास कर ले, नरेंद्र मोदी की सरकार है और देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। अलगाववादी ताकतें और विचारधारा और कांग्रेस पराजित होगी, पराजित होगी। लेकिन गिरिराज सिंह तो लव जिहाद पर कह रहे हैं कि कानून बनना चाहिए, उसके बारे में अलग से कहा इन्होंने। आगे ऐसी संगठनों का क्या होगी ऐसे लोगों की जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं? देखिए जनता की अदालत बड़ी अदालत होती है, जनता के फैसले बड़े बड़े फैसले होते हैं, और जिस प्रकार की गतिविधि जो करता है जनता उसको जवाब देती है, समय समय पर जनता जवाब देती आ रही है। 2014 से जवाब इस देश की जनता जो देना शुरू की है, और नरेंद्र मोदी जी के दिलों में बसकर और देशवासी नरेंद्र मोदी जी के दिलों में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिलों में देशवासी जिस प्रकार से बसे हैं, यह देश बहुत आगे बढ़ेगा। इस देश को कोई अलगाववादी ताकत कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। एक एक जी गृह मंत्रालय क्या एक्शन ले रहा है? देखिए मैं स्थिति जो कांग्रेस का जो संदेश है और संकेत है और अलगाववादी ताकतों को गुपकार संगठन को जो उसका सहयोग है और उससे जो समझौता है किसी न किसी रूप में जो उसका समर्थन है, और वह डीडीसी के चुनाव में जो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम कर रही है, यह स्पष्ट रूप से देश देख रही है और उस जो देश समझ रही है और देख रही है जवाब देश के लोग उनको देंगे। देखिए कांग्रेस को कोई स्ट्राइक समझ में आता ही नहीं। पुलवामा के बाद जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ था तो उस समय उसके प्रश्न होते थे। राहुल गांधी जी को अपनी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। देश की स्थिति और सेना
कि हर परिस्थितियों में उसके दिखाए हुए शॉट का सम्मान करना ही होगा, और नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि देश आज भी राहुल गांधी जी के किसी बात पर विश्वास करता नहीं है। इसलिए उनके किस बात का क्या मतलब है, खुद वही बोलते हैं, खुद वही समझते हैं, उनकी बात को चीन और पाकिस्तान समझता है और पाकिस्तान और चीन की बात को देशवासी समझता है। सर, आपने बिहार विधानसभा चुनाव में काफी मेहनत की, आपको क्रेडिट जाता है कि आपने पार्टी को इस लेवल पे लाया कि आप बड़े भाई की भूमिका में। बिहार में महागठबंधन की हार और एनडीए की शानदार जीत के बाद कांग्रेस का रुख अलगाववादी ताकत गुपकार गठबंधन के साथ हो गई है, कांग्रेस बढ़वाली के रास्ते पे चल पड़ी है, जाकर पाकिस्तान आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी तो वही जवाब दे रहा हूँ। आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आप मुख्य नेता रहे, बढ़िया परफॉर्मेंस। मैं आपके कई नेताओं पर दाग लगे हैं, आरजेडी लगातार आप पर हमलावर है, चाहे तारकेश्वर आजाद के उम्र का मामला हो, चाहे अशोक चौधरी का मामला हो। मैं आज गुपकार संगठन के विषय पे आप उस विषय पे आज मैं आपको कह रहा हूँ, इतने महत्वपूर्ण विषय पे बोल रहा हूँ, जब आज हम देश के विषय पे बात कर रहे हैं, जब राज्य के विषय पर बात करना होगा तो साथ बैठकर हम लोग चाय भी पिएंगे, बात भी करेंगे। आप गुपकार संगठन के गुपकार गठबंधन के नापाक इरादों को बिहार वासियों और देशवासियों को बता दीजिए, उसके बाद जितना शानदार तरीके से बताएंगे उतने शानदार तरीके से हम लोग बैठेंगे। श्याम सुंदर प्लीज, ये लास्ट क्वेश्चन है श्याम सुंदर जी का। नहीं, आप 100 सवाल कीजिए लेकिन गुपकार पर कीजिए, गुपकार के गुप्त अभियान को और चाहे उसकी जितनी भी साजिशें अभी जो जो पर्दाफाश हुआ है और उसके नापाक इरादों को नस्ताभूत करने के लिए, देश को संदेश देने के लिए हम बैठे हैं, आप सब इसमें सहयोग करेंगे, मुझे पूरी आशा अपेक्षा है और विश्वास भी। ओबामा ने अपनी किताब में राहुल गांधी को मैच्योर लीडर बताया। तो क्या गलत बताया, वो तो वही जो वही बोले। और मैं यह उपकार से यह गुपकार संगठन से गुपकार गठबंधन से जुड़ा हुआ इनका सवाल है, इसलिए कि राहुल जी गुपकार गठबंधन से जुड़े हुए हैं। इसलिए क्या आप हमारी बात से सहमत हैं कि गुपकार गठबंधन के यह नापाक इरादों को यह देशवासी अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिटाकर ही दम लेगी? अभी गुपकार गठबंधन के गतिविधियों को उजागर करके उसके नापाक इरादों का जो पर्दाफाश हो रहा है, जिसमें कांग्रेस भी बर्बाद होगी और देश की अलगाववादी ताकतें भी समाप्त होगी।